हेलो दोस्तों, अलिफ ज़िया में एक बार फिर से आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। मैं हूँ ज़िया। आज का शॉर्ट ब्लॉग चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का शॉर्ट ब्लॉग जुड़ा हुआ है यूपी के सुल्तानपुर के एक छोटे से गाँव गौसाईगंज, जहाँ पे एक माँ ने तांत्रिक की बातों में आके अपने दूध मुहे बच्चे को बलि चढ़ा दी। 8 जनवरी 2023 को सुबह के 8 या 9 बजे के पास माँ अपने घर से निकली। उसने एक गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे को लिटाया और फावड़े से उस पर इतने ज्यादा वार किए कि उसके कई टुकड़े कर दिए और उसके बाद वो हाथ जोड़ के उसकी प्रार्थना करने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और वहां पे पहुंचते, बच्चा ऑन द स्पॉट मर चुका था। माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक कहाँ पर है, क्या है, कुछ पुलिस पकड़ पाती है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इसमें इस वीडियो में बच्चे का नाम या माँ का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोग इससे मजहब ढूंढ लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास किसी एक पर्टिकुलर इंसान या किसी एक समुदाय से जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास हर उस जगह पे है जहाँ पे लोगों को जानकारी कम रहती है, लोग इलिटरेट होते हैं। अपने आप को सेल्फ लिटरेट करिए। आप आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास गूगल है, के तमाम तरह के सवालों के जवाब ये दे सकता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया है कि तुम्हें जो भी चाहिए हो, तुम्हें जो भी मांगना हो, तुम्हारी जैसी भी जरूरत हो, परेशानी हो, तुम डायरेक्टली मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी वो परेशानी, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी मन्नत पूरी करूंगा। तुम्हें किसी भी बीच वाले की जरूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।